राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और ये अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी माँ से प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वे सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया। So, आज की इस वीडियो में हम गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, साथ ही गांधी जी की ऐसी बातें जो हमेशा ही प्रेरणा देती रहेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनके पिता का राजकोट ट्रांसफर हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट से अपनी बाकी की शिक्षा पूरी की। साल 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, लेकिन घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट गए। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में पार्टिसिपेट करने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 सालों तक यानी 1888 से 1891 तक रहकर अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में वापस भारत आ गए। गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। शादी से पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर एक काम में साथ दिया। साल 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही निधन हो गया था। गांधी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है। उन्होंने देखा कि समाज का एक बड़ा वर्ग अपने ऊपर हो रहे अत्याचार पर पलटवार नहीं कर सकता। आज हमारे सामने जो समस्याएं हैं, उनके बारे में महात्मा गांधी ने विचार रखे थे, वो आज भी प्रासंगिक है। चाहे बात सच्चाई की हो, अहिंसा की हो या साफ सफाई की, पर्यावरण, जीवन शैली, समानता और भी बहुत से मामलों में उनकी कही बातें आज साबित हो रही है। महात्मा गांधी कहते थे कि पुरुष को चाहिए स्त्री को उचित स्थान दे। जिस देश या समाज में स्त्री का आदर नहीं होता, उसे सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। त्याग, नम्रता, श्रद्धा, विवेक और स्वेच्छा से कष्ट सहने की सामर्थ्य रखने वाली औरत कभी अबला नहीं हो सकती। भाषाएं घोषित करती हैं कि महिला पुरुष की अर्धांगनी है, इसी तरह से पुरुष भी महिला का अर्धांग है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं पाश्चात्य संस्कृति का विरोधी नहीं हूँ, मैं अपने घर की खिड़की दरवाजों को खुला रखना चाहता हूँ जिससे बाहर की स्वच्छ हवा आ सके, लेकिन विदेशी भाषाओं की ऐसी आंधी ना आ जाए कि मैं औंधे मुंह गिर पड़ूं। भारतीय अंग्रेजी ही क्यों, बाकी भाषाएं भी पढ़े, लेकिन जापान की तरह उनका उपयोग स्वदेश हित में किया जाए। बापू कहते थे कि कारखानों में मजदूरों के तौर पर लिए जाने वाले बालकों की उम्र बढ़ा दी जाए, छोटे छोटे बालक स्कूलों से उठा लिए जाए और उन्हें पैसा कमाने के लिए मजदूर के काम में लगा दिया जाए, तो ये काम राष्ट्रीय पतन की निशानी है। कोई भी राष्ट्र अपने बालकों का ऐसा दुरुपयोग नहीं कर सकता। समाज में जब तक विषमता यानी असमानता रहेगी, हिंसा भी रहेगी। हिंसा को खत्म करने के लिए पहले विषमता को समाप्त करना होगा। विषमता के कारण समृद्ध अपनी समृद्धि के कारण और गरीब अपनी गरीबी में मारा जाएगा। इसलिए ऐसा स्वराज हासिल करना होगा जिसमें अमीर गरीब के बीच कोई भेद ही ना रहे।
गांधी जी कहते थे कि हिंसा और कायरतापूर्ण लड़ाई में मैं कायरता की बजाय हिंसा को पसंद करूंगा। मैं किसी कायर को अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ा सकता, वैसे ही जैसे किसी अंधे को लुभावने दृश्यों की ओर प्रलोभित नहीं कर सकता। गांधी जी विचारों को लेकर समावेशन के पक्षधर थे, यही वजह है कि उन्होंने जन आंदोलन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक पहल में भी समाज के सबसे निचले तबके को भागीदार बनाने पर जोर दिया। ऐसा इसलिए ताकि विकास में वह अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यही नहीं, किसी को भी अमल करने की सलाह देने से पहले उन्होंने खुद पर प्रयोग करके देखा। बापू अपने को कभी बुजुर्ग मानते ही नहीं थे, वे हर रोज कुछ न कुछ सीखना चाहते थे, चाहे वह कोई नया शब्द ही क्यों ना हो। गांधी जी बचपन से ही सत्य के लिए अटल रहते, सही गलत को लेकर उनके मन में जो उथल पुथल मची रहती थी उसे सही दिशा देकर ही शांत होते। उनसे जब कभी भी भूल हो जाती थी तो उसे वह जिंदगी भर सुधारती रहते। गांधी जी अकेले ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी बातों से हर किसी को प्रेरणा देने का काम किया। उनकी बातों से ही प्रेरणा लेकर कई लोगों का जीवन बदल गया। अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो गांधी जी की ये अनमोल विचार आपके जीवन में बदलाव जरूर लाएंगे। तो चलिए जानते हैं गांधी जी की ऐसी बातें जो हमेशा ही प्रेरणा देती रहेंगी। कोई भी आदमी अपने विचारों से निर्मित एक जीव है, वह जो सोचता है वो वही बन जाता है। अगर आप चाहते हैं दुनिया वैसी दिखे जैसा आप चाहते हो तो सबसे पहले खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। दूसरों में अच्छाई देखो और खुद में बुराई देखो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। हमेशा लोगों को अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखना चाहिए। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब भी आप निराशा की चपेट में आए, याद कर लेना कि हमेशा सत्य और प्यार के पथ की ही जीत होती है। गुस्से में कोई फैसला ना करे, क्योंकि क्रोध सही समझ का दुश्मन होता है। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि किसी न किसी कारणों से ही पापी पाप करता है। अपने आप को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को दूसरे लोगों की सेवा में डुबो देना। आदमी का मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी, लेकिन आपको कुछ अलग करना होगा। अच्छा सोचो, लेकिन सोचो जरूर, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। ये आप अपने जीवन में जरूर करके देखें। ये बात हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का कोई धर्म नहीं है, वो सबके लिए एक है। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। So, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।